वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक कप ऑफ कॉफी हो जाए, उसके बाद आपको सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा थोड़ी देर में। कॉफी ले लिया है। नाउ आई थिंक ये लोकेशन इतना अच्छा नहीं है, लेट्स चेंज आवर लोकेशन। अबाउट दिस लोकेशन मे बी नो, कुछ और ट्राई करते हैं। आई थिंक ये लोकेशन बेस्ट है। कॉफी को यहां रख देते हैं और सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेलकम बैक गाइज टू अनदर वीडियो। कुछ टाइम पहले मैंने नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी का एक वीडियो डाला, कैंपस टूर किया था हमने, बहुत मज़ा आया मुझे वो वीडियो बनाने में और बहुत लोगों ने वो वीडियो को देखा भी। और वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछा कि वो लोग कैसे नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आ सकते हैं, और भी एडिशनल क्वेश्चंस थे अबाउट कॉस्ट एंड हाउ टू मैनेज एक्सपेंसेस। तो मैंने सोचा कि ठीक है, लेट्स मेक अ वीडियो एंड एक्सप्लेन यू गाइज मोर कि मैंने कैसा मेरा जर्नी कैसा था थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, मतलब फ्रॉम एप्लीकेशन टिल आई ग्रेजुएटेड, क्या खर्चा हुआ मुझे वाइल स्टडिंग एट नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, मतलब ट्यूशन फी, कॉस्ट ऑफ लिविंग, और कैंपस पे रहते हुए हाउ आई अर्न मनी। तो ये सब डिटेल्स मैं आई विल ट्राई टू कवर इन दिस वीडियो। एंड इफ़ यू गाइज हैव मोर क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू पुट देम इन द कॉमेंट, ताकि अगर आपको और डाउट्स हों और आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैं एक और वीडियो बाद में बना दूँ उसकी। प्रवचन शुरू कर दीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम राइट, लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहला जो खर्चा आपको लगेगा नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में, वो आपको लगेगा $75 का एप्लीकेशन फी। और जब आप अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, जब मैं इंडिया में था, आई वॉज एक्चुअली वर्किंग, मैंने डिसाइड किया था कि ठीक है 10-15 कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे, सारे कॉलेजेस यार $75, कोई $100, कोई $50, सब लोग एप्लीकेशन फी मांगते हैं। मतलब मुझे लग रहा था कि यार मैं एडमिशन मिले ना मिले, बट उसके पहले ही मेरा 10-20 हज़ार रुपये ऐसे उड़ जाएंगे सिर्फ एप्लीकेशन फ़ी में, क्योंकि गारंटी तो है नहीं। और ये सारे लोग है ना एप्लीकेशन फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल ही रखते हैं, ताकि आपका पैसा सिर्फ चला जाए। तो मुझे उसका दुख हुआ, बट हाँ अभी भी वो फ़ी $75 है। गुड थिंग उन्होंने बढ़ाई नहीं है, मैंने खुद 75 दिया था। तो आपको वो सबसे पहला पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे जो आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करेंगे, और उसके बेसिस पे नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि आपको एडमिशन दिया जाए कि ना दिया जाए। थोड़ा ना आँख में धूप आ रही है तो चश्मा लगा लेते हैं और क्लियर दिखेगा। ओके, सो अगर तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है एडमिशन का, वो है कि आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स, यू नीड एटलीस्ट 80% मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन। तो अगर आपके कॉलेज में CGPA सिस्टम है, देन यू नीड 3 out of 4, और यू नीड 8 on 10, और यू नीड 80% above 80% मार्क्स फॉर योर अंडरग्रेड। को ये सपोर्ट करने के लिए आपको आपकी ट्रांसक्रिप्ट भेजनी पड़ेंगी। तो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट जो है आप नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी को अपने एप्लीकेशन के साथ भेज सकते हो। तो अगर आप थर्ड ईयर में हो अपने कॉलेज में, तो थर्ड ईयर तक के आपको मार्कशीट्स आपको भेजने पड़ेंगे। और ये आपको ध्यान रखना है कि आपके जो ट्रांसक्रिप्ट्स हों वो इंग्लिश में होने चाहिए। अगर आपके ट्रांसक्रिप्ट कोई और लैंग्वेज के हैं तो प्लीज़ गेट देम कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश एंड देन सेंड इट टू द यूनिवर्सिटी, बिकॉज दे ओनली कंसिडर इट इन इंग्लिश। सेकेंड क्राइटेरिया, तो आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। आप TOEFL दे सकते हो जो मैंने दिया था, या फिर IELTS दे सकते हो, या फिर Duolingo करके एक नया है वो भी आप दे सकते हो। इन तीनों में से कोई भी इंग्लिश के टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, और TOEFL का जो स्कोर है आई थिंक यू नीड शुड बी अबव 100, सो दैट इज़ वन दैट इज़ मैंडेटरी फॉर एनीबडी कमिंग फ्रॉम इंडिया हैज़ टू गिव। अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से आते हो तो आपको TOEFL देने की जरूरत नहीं है, बट सिंस इंडिया इज़ नॉट एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री ऑफिशियली, तो आपको ये टेस्ट सबमिट करना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डॉक्यूमेंट है क्या? वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है
जिसमें आप अपनी स्टोरी सुनाते हो कॉलेज को बताने के लिए कि ना आपको ये कोर्स क्यों करना है. आप जस्टिफिकेशन देते हो एक एस्से लिख के कि वॉट इज द रीजन दैट यू वॉन्ट टू डू मास्टर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी. आपके क्या ड्राइविंग फैक्टर्स हैं, आपको क्या किसने मोटिवेट किया कि आप नॉर्थ ईस्ट से आके पढ़ाई करो. तो वो आपके लाइफ का जर्नी और आपके मोटिवेशंस को आप अपने एक एस्से के फॉर्म में लिख करके भेजते हो. और अप्रॉक्सीमेटली 1000 words का होना चाहिए, कोई हार्ड लिमिट नहीं है, बट लोग बोलते हैं कि ऑन एन एवरेज इट हैज टू बी अबव 1000 words, विच इज़ अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट एंड इट्स काइंड ऑफ वन ऑफ द मेन वंस विच इज़ कंसिडर्ड फॉर एडमिशन. सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. तो अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको चाहिए 2 letters of recommendation फ्रॉम योर कॉलेज, फ्रॉम योर प्रोफेसर्स, एंड यू वुड नीड 1 letter of recommendation फ्रॉम सम प्रोफेशनल एनवायरमेंट. लाइक अगर आपने कोई इंटर्नशिप की हुई है तो आप वहाँ से एक ले सकते हो. टोटल 3 letter of recommendations आपको चाहिए. अगर आप ऑफिस में काम करते हो और आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यू हैव टू गिव 2 professional LORs एंड 1 academic. जैसे मैं जॉब कर रहा था जब मैंने नॉर्थ ईस्टर्न के लिए अप्लाई की, तो उस टाइम पे मैंने 2 मेरे मैनेजर्स, मेरे जो मैनेजर्स थे ऑफिस में, उनसे मैंने ले ली, और 1 मैंने मेरे कॉलेज में प्रोफेसर से ले ली थी. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बोला ना, इन सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको बनाना पड़ेगा एक बंडल, राइट, पैकेज बनाना पड़ेगा. और ये पैकेज को आपको जो है एक एड्रेस जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहाँ पे आपको मेल कर देना है नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी को. और वो पैकेट फिर जो एडमिशन का डिपार्टमेंट है उस पैकेट को एनालाइज करेगा, और फिर आपके एप्लीकेशन पे वो लोग डिसीजन लेंगे कि हाँ उनको आपको एडमिशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. जंपिंग इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, पैसे का टॉपिक आ गया भाई, हमारी स्क्रिप्ट गिर गई. मैंने थोड़े नोट्स बनाए थे. ओके, सो द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द कॉस्ट, कि अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में पढ़ाई करनी है तो कितना खर्चा आएगा. मैं अपने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा. तो सबसे मेजर जो खर्चा, सबसे पहला जो नंबर 1 top खर्चा है वो है ट्यूशन फी. तो नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी में कैसा होता है कि यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम होता है, ठीक है. आपको अगर मास्टर्स डिग्री चाहिए नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी से तो आपको 32 credits पूरे करने पड़ेंगे. अगर आपने 32 credits कर लिए तो आप ग्रेजुएट हो सकते हो. तो 1 credit का जो कॉस्ट आता है, मैंने मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी की थी तो 1 credit का कॉस्ट था $1570 और ये जो 1 credit का जो कॉस्ट है वो चेंज होता रहता है, मतलब कोर्स टू कोर्स. तो अगर आप डेटा साइंस करना चाहते हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना चाहते हो तो उसका जो कॉस्ट होगा ना 1 credit का वो डिफरेंट होगा. तो उस हिसाब से आप जो है जब आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो आप कोर्सेज पिकअप करते हो. अगर मैं एक कोर्स उठाता हूँ जिसको फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्रिप्टोग्राफी कोर्स उठाया, तो वो कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको 4 credit मिलेंगे. तो एक सिंस 1 credit का कॉस्ट 1570 है तो मेरा एक कोर्स का कॉस्ट क्रिप्टोग्राफी का जो कॉस्ट होगा 4 times 1570 होगा, विच इज़ गोइंग टू बी 6280. और तो ऐसे करके आप जब आप कॉलेज में आओगे तो आप कोर्सेज पिकअप करोगे, उन कोर्सेज का कुछ नंबर ऑफ क्रेडिट्स होगा. तो जैसे जैसे आपको क्रेडिट मिलते जाएंगे आपको जैसे आप 32 तक पहुंच जाओगे यू विल बी एबल टू ग्रेजुएट. अब यहाँ पे कैसे रहते हैं, 2 semesters रहते हैं, एक तो स्प्रिंग सेमेस्टर रहता है, एक फॉल सेमेस्टर रहता है. और आपके कोर्स के हिसाब से देर आर लिमिटेशंस दैट हाउ मेनी कोर्सेज यू कैन पिक इन अ सेमेस्टर, मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, और आपके भी लिमिटेशंस रहेंगे. ऐसा नहीं है कि आप पूरे 32 क्रेडिट्स वर्थ ऑफ कोर्सेज आप एक ही सेमेस्टर में उठा लो और एक ही सेमेस्टर में ग्रेजुएट कर जाओ, वो तो इम्पॉसिबल है क्योंकि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा और वो कॉलेज आपको अलाउ भी नहीं करेगा. आपका मैक्सिमम भी रहता है कि आप एक सेमेस्टर में मैक्सिमम इतने क्रेडिट्स कर सकते हो. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 32 क्रेडिट्स करने के लिए आपका टोटल खर्चा कितना आएगा मंजरी? 32 into 1570. आपके पास 2.5 साल का टाइम है. 2.5 साल में अगर आप 32 क्रेडिट्स कंप्लीट करते हो तो आपका टोटल खर्चा आएगा $50,240. तो ये जो कॉस्ट है ये आपके पूरे कोर्स की है, पूरे 2 साल की, 2.5 साल की, जितना भी टाइम आपको लगता है ग्रेजुएट होने के लिए. एंड द टोटल कॉस्ट इज $50,240, मतलब $50,000. ये सिर्फ आपकी ट्यूशन फी है. और ये ऑब्वियसली आपको एक टाइम में पे नहीं करनी है. आप जैसे जैसे कोर्सेज उठाओगे उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है उतना आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा. द नेक्स्ट बिगेस्ट एक्सपेंस इज योर लिविंग एक्सपेंस. और लिविंग एक्सपेंस में क्या क्या आता है कि रेंट कितना आपको चढ़ रहा है, कितना पड़ रहा है, और आपका जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं लाइक ग्रोसरी कर रहे हो आप, खाने पीने का खर्चा, आप मे बी लाइक वंस इन अ व्हाइल यू विल गो टू अ रेस्टोरेंट एंड ईट, तो ये सब का जो कॉस्ट है वो
ये जो कॉस्ट है फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना पसंद है, कैसे आपको रहना अच्छा लगता है. बट इफ आई हैड टू पुट अ नंबर अराउंड की लिविंग जो रेंट यहाँ पे पड़ता है, बॉस्टन जो है एक काफ़ी एक्सपेंसिव सिटी है और नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी क्योंकि बॉस्टन के बीचों बीच है तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो रेंट है, काफ़ी हाई है. यू विल काइंड ऑफ हैव टू पे अबाउट $800 to $1,000 पर मंथ फॉर योर रेंट. और इसमें भी आपको शेयर करना पड़ेगा अपना अपार्टमेंट, लाइक यू नो लाइक अ टू बेडरूम अपार्टमेंट आप अगर लोगे तो उसमें एक बेडरूम का कॉस्ट होगा 800-900 या $1,000 अप टू $1,000 पड़ सकता है आपको रेंट. बहुत सारे लोग ये भी कोशिश करते हैं कि लोग एक ही रूम शेयर कर लेते हैं तो वहाँ पे आपका कॉस्ट हाफ हो जाता है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है. उसके बाद जो खर्चा है वो खाने का है, आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप जो है ग्रोसरी लेकर के घर पे हमेशा बनाते हो या फिर आप हफ्ते में 2-3 दिन आप बाहर खाते हो. तो ये सब आई थिंक ओवरऑल अगर मुझे कोई पूछे तो आई वुड से कि $600-$700 से $700 तक आपका खर्चा महीने का निकल जाएगा. तो अगर $1,000 आप रेंट पकड़ लो अपना और $700 आप अपना ग्रोसरी का कॉस्ट और खाने पीने का खर्चा पकड़ लो तो $1,700 to $1,800 में आप अपना महीने का खर्चा मैनेज कर सकते. दैट्स अबाउट इट. आई थिंक यही खर्चा मेजर पड़ता है. बाकी इसके अलावा जो आपको खर्चे आ सकते हैं वो हैं कि रिक्रिएशनल फी जो कॉलेज आपको चार्ज करता है फॉर यूजिंग ऑल द फैसिलिटीज लाइक जिम या फिर प्ले एरिया है, वो सब आपको यूज़ करना है तो फॉर दैट देर इज़ अ फिक्स चार्ज ऑफ $75 पर ईयर. तो वो इतना कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है, विच इज़ काइंड ऑफ मैंडेटरी, आपको देना ही पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक यू कैन अवॉइड इट. बाकी इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई और बहुत मेजर खर्चा है. ये तो हो गए सिर्फ खर्चे की बातें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन मेक मनी लिविंग ऑन कैंपस. नॉर्थ ईस्टर्न में ये एडवांटेज है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑन कैंपस जॉब्स अवेलेबल हैं और आप एज अ स्टूडेंट यू कैन टेक दोज जॉब्स एंड मेक सम मनी एंड विद दैट मनी यू कैन बेसिकली मैनेज योर लिविंग एक्सपेंस. सम गाइज आर ऑल्सो एबल टू अफोर्ड रेंट एंड रेंट एज वेल लाइक डिपेंडिंग अपॉन वॉट जॉब यू गेट. सो नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल है जहाँ पे सारे जॉब्स के पोस्टिंग आ जाते हैं एंड यू हैव टू कीप अप्लाइंग एंड कीप ट्राइंग एंड सम प्लेसेज यू हैव टू गिव एन इंटरव्यू टू अ प्रोफेसर एंड देन वंस यू गेट द जॉब यू विल गेट पेड फॉर इट. मिनिमम सैलरी दैट यू गेट इज गोइंग टू बी $10 पर आवर मिनिमम. और अगर आपको अच्छा जॉब मिलता है लाइक इफ़ यू बिकम अ टीचर्स असिस्टेंट और यू बिकम अ रिसर्च असिस्टेंट यू मे गेट लाइक $20-$25 पर आवर एज वेल. तो ऑन कैंपस जॉब एक पहला है. दूसरा है यहाँ पे जो सेमेस्टर्स होते हैं, फॉल सेमेस्टर होता है, स्प्रिंग सेमेस्टर होता है. ये तो फॉल सेमेस्टर आपका जो होगा वो होगा सितंबर से दिसंबर तक और जो विंटर सेशन जो आपको स्प्रिंग सेमेस्टर जो होगा वो आपका जैन से मार्च तक होगा. तो बीच में आपको 4 महीने का बहुत ही अच्छा टाइम मिल जाता है जहाँ पे हॉलीडेज होता है. यू डोंट हैव टू इट्स नॉट रिक्वायर देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि आपको कोई कोर्स करना है कि नहीं करना है. उस टाइम में लोग क्या करते हैं कि दे फाइंड इंटर्नशिप विद इन बॉस्टन और इन अमेरिका, जहाँ भी आपको कोई प्राइवेट कंपनी है आपको वहाँ पे इंटर्नशिप अगर मिल जाएगी देन यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी. और उस इंटर्नशिप से जो है आप अपनी फीस भी कवर कर सकते हो और लिविंग एक्सपेंस भी कवर कर सकते हो. तो आपकी एक हद तक आपके एक सेमेस्टर की फीस आपकी निकल जाएगी अगर आपको कोई अच्छा इंटर्नशिप मिल गया तो, वेल पेड इंटर्नशिप मिला तो. और इंटर्नशिप का कोई लिमिट नहीं है. आई मीन दे कैन पे यू $30, $35, $50 लाइक इफ़ यू गेट योर इंटर्नशिप इन फेसबुक यू विल गेट $60. सो यू हैव ऑल दोज ऑप्शंस. नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी का एक और सुपर डुपर एडवांटेज है कि नॉर्थ ईस्टर्न अलाउज अ कोऑप. कोऑप इज़ नथिंग बट आप क्या कर सकते हो कि जैसे कि नॉर्मल जो समर टाइम होता है 4 महीने का होता है तो आप 4 महीने की इंटर्नशिप कर सकते हो. बट नॉर्थ ईस्टर्न के पास ये एक ऑप्शन देता है आपको कि आप 6 to 8 months का इंटर्नशिप कर लो और अपना एक सेमेस्टर स्किप कर दो. स्किप एज इन मतलब एक्सटेंड कर दो. तो जैसे कि आप अभी जनवरी का टाइम है, आपका सेमेस्टर चल रहा है और आपको पता है अप्रैल से आपका इंटर्नशिप चालू होगा तो आप कोऑप, उसको हम कोऑप बोलते हैं, तो कोऑप ढूंढोगे आप. और अगर आपको कोऑप मिल गया तो आप क्या करोगे, जो दिसंबर में जो स्प्रिंग का जो आप सेमेस्टर करने वाले थे वो आप मत करो और आप 6 to 8 months का लंबा इंटर्नशिप कर लो दिसंबर तक. तो उससे क्या होगा कि आपको अच्छा खासा एक पहली बार तो वर्क एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा प्लस यू विल गेट पेड ऑल्सो. एंड येस द डिसएडवांटेज इज दैट यू विल बी ग्रेजुएटिंग लेट. आपको 2.5 साल लग जाएगा तो कुछ लोग वो कंसिडर करके नहीं करते हैं बट इट्स अगेन योर चॉइस. तो ये एक बड़ा एडवांटेज रहता है कि आप इंटर्नशिप आपको मिलेगी. तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंटर्नशिप में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कंपनीज उसको फुल टाइम में कन्वर्ट कर देती हैं. तो ये सब एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं. तो इंटर्नशिप की वजह से उनको एक्सपीरियंस गेन हो जाता है जिससे उनको जॉब मिलने में, अगर वो फाइनली जब ग्रेजुएट होते हैं तो उनको जॉब मिलने में थोड़ी हेल्प मिल जाती है बिकॉज दे हैव गेन्ड सम एक्सपीरियंस व्हाइल स्टडिंग.
तो वो एक सुपर डुपर एडवांटेज है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है अभी, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और सारा लिंक्स जो आपको हेल्प कर सकता है वो सारे लिंक्स भी इंक्लूड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको और कोई क्वेश्चंस हैं, आपको और कोई डिटेल चाहिए तो प्लीज़ पुट देम इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल मेक अनदर वीडियो इफ देर आर इनफ क्वेश्चंस, आई कैन मेक अ वीडियो एंड एक्सप्लेन यू मोर इन मोर डिटेल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप डिसाइड करते हो नॉर्थ ईस्टर्न स्टडी में पढ़ाई करने के लिए एंड यू कम टू बॉस्टन, देन डेफिनेटली सेंड मी अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, एंड डेफिनेटली अगर मैं बॉस्टन कभी आऊँगा तो वी कैन मीट। गाइस प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, और कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैं आपको वहाँ पे डायरेक्टली बता दूंगा। फॉलो मी एंड मंजरी, बोथ ऑफ आर इंस्टाग्राम हैंडल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि मैंने देखा स्टार्ट्स में कि सब लोग वीडियो देख रहे हैं बट कोई सब्सक्राइब बटन नहीं दबा रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, हैव अ नाइस डे, बाय।